Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvi. देखिए 100 F वैकेंसी आ चुका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नेशनलाइज्ड बैंक है. सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. तो हम आज डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. और हम सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फोकस नहीं करेंगे, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ IBPS F जो आने वाला है और कुछ महीने में, उसे कैसे क्रैक करेंगे, दोनों को एक साथ हम कैसे तैयारी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो मेरे साथ बने रहिए, बी अटेंटिव व्हेन ऑफ मिस्ड, लेट्स स्टार्ट. एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले देखिए आपका थोड़ा सा मेमोरी चेक करते हैं. कुछ कट्टन का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. कॉटन के साथ साथ सोरगम भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो कॉटन सोरगम ये दोनों को अच्छे से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाला एग्रीकल्चर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप बताइए कहाँ पे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपना पिछले वाले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ. और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, इस दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे. तो बताइए इस दोनों का आंसर क्या है, यहाँ पे फोटो में दिया हूँ ताकि आप एक पिक्टोरियल मेमोरी के साथ याद रख सकते हैं. ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है. सो यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई है. दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है. सो इसीलिए महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में कॉटन का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो चलते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी के तरफ. तो पहले देख लीजिए एग्जाम स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए. एग्जाम स्ट्रैटेजी से जाने से पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड देख लीजिए. इससे आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है. देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स 100, इसका मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज रहा 2 मार्क्स और टाइम अलॉटेड 60 मिनट. नेगेटिव मार्क नहीं है, इसे थोड़ा सा गौर करेंगे. एफ ओ में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल IBPS का एफ ओ आता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होता है और एक का 60 मार्क हुए, 60 मार्क टोटल, तो एक सवाल का वेटेज रहता है 1 मार्क और 45 मिनट आपको अलर्ट होता है, नेगेटिव मार्क होता है, 1/4 नेगेटिव मार्क होता है. तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक सवाल जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक सवाल का 2 मार्क, तो कहीं ना कहीं मार्क का वैल्यू ज़्यादा है. सो इसीलिए थोड़ा सा लेंदी आने का चांसेस है और थोड़ा सा आइडियल क्वेश्चन आने का चांसेस है. IBPS एफ ओ में क्या आता है, मिक्स तरह का आता है, इजी को लेवल का क्वेश्चन आता है, मॉडरेट, कभी कभी उसका कुछ अता पता नहीं होता है, कभी किस साल बहुत इजी डाल देता है और कोई साल मतलब इतना करंट अफेयर डाल देता है कि आप कंपेयर भी ना कर सकते. पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत साल इंटरवल में आता है, इसीलिए कोर सब्जेक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको और कुछ करंट अफेयर्स भी मिलेगा और कुछ ऐसा 2-3 सवाल होगा जो कि रिलेटेड महाराष्ट्र एग्रीकल्चर होगा. तो जो महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा वो मैं कवर करूंगा इस चैनल पे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए. और जो करंट अफेयर पोर्शन है, ओके, जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो आप कहीं से भी एक स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर बुक ले आइए. बहुत सारे कोचिंग सेंटर है वो मंथली करंट अफेयर्स रिलीज करते हैं, एनुअली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रिलीज करते हैं. आप जो भी अच्छा लगे आपको, 50-60 पेज का होगा, ले आइए, उसे 5-6 दिन में खत्म कर दीजिए, तो करंट अफेयर आपका क्लियर हो गया. उसी के बाद जो महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर है, जो महाराष्ट्र का कोर एग्रीकल्चर है, वो 1-2 क्लास 2-3 क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, वो हमारे सब्सिक्वेंट क्लासेस आएगा. देखिए महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर मतलब क्या है, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर का मतलब जो वहाँ पे जो क्रॉप ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है, जैसे कि सरगम हो गया, जैसे कि कॉटन क्रॉप हो गया, तो कॉटन क्रॉप एंड सरगम क्रॉप का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसका ओरिजिन, उसका वेराइटीज, ओके, उसके डिटेल्स, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, सब कुछ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा. तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर के लिए आप टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा. करंट अफेयर्स कोई भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, 50-60 पेज का. और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे क्या, कोर सब्जेक्ट, कोर स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि हमारा मैक्सिमम वेटेज जिसका है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे. अगर कोर सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो गए ना, तो वो इस वाले एफओ में, IBPS एफओ में, दोनों के दोनों एफओ में काम आएगा. तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले जो हमारे जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक है जो आपको पता ही है, नेमरा सुंडा बुक हो गया,
हमारा एसआर कांटुआ बुक हो गया। ओके, जो 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 स्टैंडर्ड बुक है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके, तो उसे पहले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिविजन इज द बेस्ट। ओके, कुछ नया पढ़ने से पहले आप जो जो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे थोड़ा रिविजन कर लीजिए। तो रिविजन करने के बाद आप करेंट अफेयर देखिए। तो ऐसे आप ऐसे माइंड में रख के चलिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दोनों के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए और IBPS CFO के लिए। अगर ऐसे आप माइंड में रख के पढ़ेंगे ना, तो आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारे फाइनल चीज़ हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्क की। नेगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है। यह आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। मेरिट कैसा बात? मेरिट ऐसा हुआ कि अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है तो आप क्लिक कर सकते हैं सही चीज़। पर यहाँ पे क्या है ना, IBPS CFO में अगर आपके पास नॉलेज भी है पर कहीं ना कहीं एक दिक्कत होता है, नेगेटिव हो जाएगा, हम नहीं क्लिक करते हैं, सो ऐसा मन में आता है। तो यहाँ पे अभी वो जो चीज़ नहीं है, तो फिर आप बिंदास सारे के सारे क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। और टाइम तो सफिशियंट है, 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट सफिशियंट टाइम। आज कंपेयर टू IBPS CFO 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा और टाइम है। आप चाहें तो एक बार करके भी दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर नेगेटिव मार्क नहीं है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है और कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। सो कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कोर सब्जेक्ट में फोकस कीजिए, जो कि बोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम आएगा और IBPS AFO में भी काम आएगा। सो कॉटन को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। ओके, सो ये इतना ज्यादा अभी पॉपुलराइज्ड हो चुका है ना, तो इसे व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ओके, फैमिली मालवासी है, मालवा फैमिली, एंड ये नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। आप अफ्रीका बोल सकते हैं, इंडिया बोल सकते हैं, सबका नेटिव ये है। और ये जो है ये सोर्गम है। ओके, सोर्गम है, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, कुआसी फैमिली से, नेटिव टू अफ्रीका। देखिए मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा कॉटन के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र एग्रीकल्चर में कॉटन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो एक दो सवाल जरूर आएगा। और सरगम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्वार बोलते हैं ना, ज्वार, महाराष्ट्र इसको ज्वार बोलते हैं, सो इसके बारे में भी एक डिटेल सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।